इस सरदार पटेल की जयंती है और आज के दिन को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बना रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटेल जयंती पर एकता के लिए दौड़ होगी। अब से कुछ ही देर में ये दौड़ नेशनल स्टेडियम में होगी और उससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटेल चौक की तस्वीर है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। और अब नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग रन फॉर यूनिटी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस दौड़ को। 1.5 किलोमीटर की यह दौड़ रहेगी। आपको बता दें गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो पहुंच चुके हैं नेशनल स्टेडियम। सिर्फ प्रधानमंत्री के आने का इंतजार और कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। 7:20 का वक्त मुकर्रर है जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। 2 मिनट का वक्त बाकी बचा है। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नेशनल स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 142वीं जयंती है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 1875 में उनका जन्म हुआ था। और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है ये स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ता हुआ बस पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनकी अगवानी करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद। और ये देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार से बाहर निकलते हुए और किस तरह से एक फूल देकर राजनाथ सिंह जो कि देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की अगुवानी की। वो पहले भी साथ में थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी आप देख रहे हैं। और उसके अलावा काफी गणमान्य वशिष्ठ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ते हुए 7:19 हो चुके हैं। बस अब कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हरी झंडी दिखाएंगे और उससे पहले एक प्रतिज्ञा यहां पर दिलाई जाएगी सभी को, एकता की प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री की तरफ से जो लोग वहां मौजूद हैं उन्हें दिलाई जाएगी। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है सभी भारतवासियों की ओर से। राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, विकास की बारिश से हर घर आंगन को सींचने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जागते हैं सवेरा लाने के लिए हर घर का। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अब प्रधानमंत्री मंच पर विराजमान है इस वक्त। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उधर आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल स्टेडियम से ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के मौके पर ये देखिए लोगों में कितनी उत्सुकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की। 15,000 से ज्यादा लोग इस यूनिटी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, रन फॉर यूनिटी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए लोगों में उत्साह, भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। रन फॉर यूनिटी दौड़ का हिस्सा बनने के लिए देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल, लौह पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद 565 रजवाड़ों को उन्होंने एक साथ मिलाया। 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ और आज 142वीं जयंती। इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं और जाहिराना इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और वो प्रतिज्ञा देंगे। राज्यपाल श्री बैजल साहब और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी नौजवान बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं कह सकता हूं कि जब से शासन की बागडोर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने संभाली है बहनों भाइयों, तब से अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को केवल
एक दिवस के रूप में ही नहीं मनाते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक पर्व के रूप में इसे मनाना हमने प्रारंभ कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से पूरे भारत को एक करने में क्या रही है, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। जिस समय भारत आजाद हुआ था, ऊहापोह की स्थिति थी, कई रियासतों में यह भारत बटा हुआ था। सारी रियासतों को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी निभाई। एक चुनौती जहां सारी रियासतों को एकजुट करने की उनके सामने थी, वहीं पर सांप्रदायिकता के संघर्ष की विभीषिका में सारा भारत जैसे लग रहा था कि जल रहा हो, उससे भी निजात दिलाने की जिम्मेदारी, उससे भी निजात दिलाने की चुनौती यदि थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर थी। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने थी कि जो भारत आजाद हुआ है उस भारत को कैसे मजबूत भारत बनाया जाए। मैं कह सकता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए इस पर विजय प्राप्त की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।